राइट दी टाइप ऑफ कोलाइडल। इसमें पूछा कि जो कोलाइडल का टाइप होता है और कितने प्रकार का होता है, तो इसमें कोलाइडल का टाइप, कोलाइडल थ्री टाइप का होता है। कोलाइडल दे आर थ्री टाइप्स। पहला डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। दूसरा होता है नेचर ऑफ डिस्पर्स फेजेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम और जो थ्री नंबर में आता है वह होता है नेचर ऑफ ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इसमें पूछा कि जो कोलाइडल का थ्री टाइप है उसमें से थ्री टाइप कौन कौन सा होता है, तो इसमें पहला आ जाएगा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दूसरा आएगा नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और थ्री नंबर में नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी वन में एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। पहला फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अस्टैंड। इसमें जो पूछा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, किसका पूछा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का जो डिफिनेशन होता है वह होता है कि जब एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्बेंट दोनों जो एक साथ मिलता है रिक वैन डर वाल फोर्स से, और जो दोनों एक दूसरे के साथ मिलता है रिक वैन डर वाल फोर्स से, उसी को फिजिकल एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। तो यदि हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं तो द फेनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन विच हेल्ड टुगेदर विच द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट अट्रैक्ट रिक वैन डर वाल फोर्स। जो एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट रहता है, जो रिक वैन डर वाल फोर्स के साथ जुड़ा रहता है, उसी को फिजिकल एब्जॉर्प्शन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इसका जो दूसरा नंबर में है लायोफिलिक कोलाइडर। लायोफिलिक कोलाइडर्स क्या है? सबसे पहले इसमें समझते हैं कि लायोफिलिक कोलाइडर किसे बोला जाता है। तो जो लायोफिलिक होता है, लायोफिलिक का मतलब समझते हैं कि लायो मतलब जो यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला बना है लायो और दूसरा बना है मिलकर फिलिक। तो लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है
लविंग मतलब जो अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्शन या फिर एफिनिटी बोल सकते हैं, एफिनिटी। तो लायो मतलब लिक्विड हो जाता है और फिलिक मतलब लविंग होता है जो अट्रैक्शन करता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द डिस्पर्स फेजेस, डिस्पर्स फेजेस आर अट्रैक्ट टूवर्ड दी डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम इज कॉल्ड लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड। अगला क्वेश्चन है 32 में, केमिकल रिएक्शन दिया है ऑर्गेनिक का C2H5Br, इसका जो रिजेंट दिया है कि वो एच एक्वस में, यहाँ पर पूछा कि जो इसका प्रोडक्ट बनेगा अब प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखते हैं इसका रिएक्शन C2H5Br और जो मेरा रिजेंट दिया है के ओ एच एक्वस में। तो स्टूडेंट जो हम देखते हैं कि जो के ओ एच टूटेगा तो के ओ एच किस में टूटेगा, यदि हम के ओ एच को तोड़ते हैं तो यह मेरा टूटेगा के प्लस एक्वस और ओ एच माइनस एक्वस में टूटेगा। और यहाँ पर जो ब्रोमीन है और ब्रोमीन पर माइनस चार्ज होता है, तो जो दोनों रिएक्स दोनों हाथ से मिलेगा तो के ओ एंड बी के पॉजिटिव एंड बी आर नेगेटिव में मिलकर ये दोनों बाहर निकल जाएगा और एच इसके साथ मिलेगा। तो इसका कुछ रिएक्शन इस प्रकार हो जाएगा, C2H5OH बनेगा इसका। अगला रिएक्शन है CH3COOH+PCl5, इसका रिजेंट दिया है वही PCl5 दिया है, जहाँ पर खाली स्थान होगा वह क्या होगा, इसका जो रिएक्शन होगा कुछ CH3COOH+PCl5 वह इस प्रकार बनेगा CH3COOCl। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 33 में, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। इसमें जो पूछा ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन का डिफिनेशन और फिर डिफरेंस बिटवीन पूछा है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन भी एक पॉलीमर के अल्फा एमिनो प्रोटीन जो है प्रोटीन है, और प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर है, और प्रोटीन एक लिविंग जीव में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है अभी एक प्रकार का प्रोटीन है, और जो ग्लोबुलर होता है वह पानी में सोलबल होता है
एंड इसका जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में जो फोर्स रहता हुआ वीक वेंडर वाल फोर्स रहता है या फिर वीक फोर्स रहता है, और इसका जो फाइबरस प्रोटीन हो जाता है या पानी में वाटर में इनसॉल्युबल।